हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैर से उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर से होंगे। जैसे आप लोगों को इल्म में है कि कराची के अंदर कुछ वक़्त पहले कुछ बंदे थे जो मरी हुई जो भैंसे थे उनके जो गोश्त काट रहे थे। सो अब चौकी शहर के अंदर मैं आया हूँ बाहर रोड के ऊपर, तो कहीं से मेरा गुजर हो रहा था तो मैं आप लोगों को दिखाते चलो फुटेज में कि वही हालात, बिल्कुल वही हालात देखे अब चौकी के अंदर भी लगा हुआ है। वो सामने देखे, वो देखो बंदा भाई, देखो बैक साइड, ये सामने फ्रंट में देख सकते हैं ये बंदा क्या कर रहे हैं। ये देखें, यही हालात है हमारे पाकिस्तान शहर के। ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये अफगानी लोग देखो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पश्तून भाई पाकिस्तान के जो पठान से वो नहीं कर रहे हैं। ये देखें आपके सामने ये काम हो रहा है आप लोगों के सामने। ए लका, क्या कर रहे जानी, क्या कर रहे हो? हाँ, आईडी किस काम में बेचता है जानी, किस काम में बेचता है यार्डी? यार्डी किस काम में लगता है जानी? कराची में क्या बनता है इसका? पता नहीं क्या बनता। जी पता नहीं क्या बनता है भाई। आप कहाँ से आए? कराची से। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई आपको पता है कि ये मरा हुआ जानवर है, ठीक है? लोग तो इसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते। हाँ, आप तो इसको काट रहे, टोटा कर रहे, पीस कर रहे हैं इसका। कोई और कारोबार, कोई और काम क्यों नहीं करते हम मेरे भाई? थोड़ा इस तरफ देखेंगे अब्दुल्ला, ये बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल पास से खड़ा नहीं पा रहा मैं तो यहाँ पे। देखें ये हालत इतनी ख़राब है, तोबा तोबा तोबा, तो देखा नहीं जा रहा। ये देखें, देखें किस तरह ये छुरी से इसका काल भी काट रहा है। ये कह रहे कि कराची में बेचे गए, तो मैं आला हुकाम से ये पूछना चाहता हूँ कि कराची के अंदर ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा जो ग्रोह है वहाँ पे जो ऐसे मरे हुए जानवर को भी नहीं छोड़ते, इनके जो हड्डियाँ हैं वो भी परचेज करते हैं कराची शहर के अंदर। तो इनको पकड़ा जाए, बेनकाब किया जाए और सख्त से सख्त इनको सज़ा दी जाए।